प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में नववर्ष मेले का शुभारंभ रविवार को किया गया। माता के दरबार में प्रतिवर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष को लेकर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के पावन पिंडी के दर्शन करने के लिए चिंतपूर्णी पहुँचते हैं। डीसी राघव शर्मा की अगुवाई में मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। वहीं पुजारी वर्ग ने भी माता के इस पावन नववर्ष मेले की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए माता की विधिवत पूजा अर्चना करवाई है। नववर्ष मेले के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि नववर्ष मेले को लेकर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला नववर्ष तमाम श्रद्धालुओं के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। माँ के सभी भक्तों को सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर है और आज इस वर्ष 2023 वर्ष का अंतिम दिन है और मंदिर प्रशासन ने नववर्ष का मेला घोषित किया है जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगा। माँ के सभी भक्तों को इस नववर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष नववर्ष पर मंदिर को हमारे श्रद्धालुओं द्वारा, प्रशासन द्वारा विभिन्न विभिन्न फूलों के साथ मंदिर को देशी विदेशी फूलों के साथ माँ को सजाया जाता है और आज जो कि साल का अंतिम दिन है, मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ जो आने वाला वर्ष 2024 है, माँ के सभी भक्तों के जीवन में हर्ष उल्लास आए और इस वर्ष नए वर्ष में माँ के चरणों में हम विनती करते हैं कि हमारे देश प्रदेश में कुछ आंधी आए, धन धान्य से समृद्धि हो। आज मंदिर में इतनी भीड़ है कि लोगों की श्रद्धा देखने लायक बनती है। सभी भक्तों को एक बार पुनः नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। वही मंदिर अधिकारी अजय मंडियाल ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा से लेकर सफाई तक हर व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया है। जय माता दी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए 2 दिन का मेला माननीय उपायुक्त महोदय कमिश्नर टेम्पल घोषित किया है। इसमें हमने अतिरिक्त फोर्स मंगवाई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए हैं, अतिरिक्त सेवादार लगाए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो और शहर में लॉ एंड ऑर्डर भी बन रहे और सुबह और आसान तरीके से जो श्रद्धालु दर्शन कर पाए उनको सुविधा का सामना ना करना पड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आने वाला साल मंगलमय हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा श्रद्धालुओं की, हमने 3 दर्शन पर्ची के काउंटर बनाए हैं, एक माईदास बाबा में, एक एमआरसी पार्किंग के साथ और तलवाड़ा से जो आते हैं वहाँ पे उसके साथ पंजाब केसरी की एक सराय है, उसमें एक हमारा कर्मचारी बैठा वहाँ से दर्शन पर्ची देने के लिए। तो जो भी श्रद्धालु वहाँ से आए तो वो अपने दर्शन पर्ची लेकर ही दर्शन करें ताकि ऊपरों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। और जो सुगम दर्शन प्रणाली के तहत दर्शन करना चाहते हैं माईदास भवन में, वहाँ पे उनका पास बनेगा, पास लेकर ई रिक्शा में बैठ के दर्शन कर पाएंगे। जय माता दी। इसी के साथ मैं पुनः सभी माता के श्रद्धालु भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनका साल मंगलमय और माता रानी पर सदा कृपा बनाए रखें। जय माता। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।